आप दोस्तों सब कुछ जानते हैं कि जैसे पिछला वीडियो हमने बनाया था वर्मी कंपोस्टिंग के ऊपर, उसमें हमने बात किया था कि वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोसेस के बारे में, स्पेशली वो फोकस्ड वीडियो था जिसमें एक आदमी वर्मी कंपोस्टिंग की शुरुआत कैसे कर सकता है, उसको आगे कैसे ले जा सकता है, क्या क्या प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है, सारे चीज़ों के बारे में इंद्रजीत जी के द्वारा एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया था, उसमें चर्चा किया था। तो दोस्तों आज मौका है एक स्पेशल वीडियो समझने के लिए, जानने के लिए कि वर्मी कंपोस्टिंग की पैकेजिंग आप कैसे कर सकते हैं, कितने में कर सकते हैं, कितना लागत आपको लगाना चाहिए, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही साथ शुरू में क्या करना चाहिए, आखिरी में क्या करना चाहिए, और किस एरिया में आप रहते हैं उसके हिसाब से कितने केजी की पैकेजिंग का आपको चुनाव करना चाहिए, सारे चीज़ों के बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम इंद्रजीत ठाकुर है और हम ग्रीन ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड के तहत वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं और हमारा जो यूनिट है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एक बार फिर से मिल के आपसे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे आपने एक्सपीरियंस शेयर किया था। कुछ बताएंगे उस वीडियो के बारे में कि आपको कुछ कॉल भी आए थे, कि लोगों ने क्या क्या आपको फीडबैक दिए थे, क्या कितने लोगों को आपकी उस वीडियो के द्वारा हेल्प मिल पाया, कुछ इनसाइट बताइए उस वीडियो के बारे में, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। जी नीरज जी, बिल्कुल, बहुत काफी लोगों ने मेरे मुझे कॉल किया, मेरे पास आकर देखा लोगों ने, लोग काफी फोन लगाकर बोलते थे कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव था। जो जो लोगों के दिमाग में मिथ था वो वीडियो ने काफी हद तक तोड़ दिया था। मतलब ना यूट्यूब पे या दूसरी जगह आप जहां पर देखेंगे कि कुछ चीजें ना कहीं पर कुछ और होती है थ्योरेटिकल, और जब ग्राउंड पे आदमी करता है वर्मी कंपोस्टिंग तो वहां चीजें चेंज हो जाती है। तो हमने पूरी कोशिश की थी कि जो रियलिटी, खुद का एक्सपीरियंस, जो हमने जो दिक्कतें हमने उठाई थी उनको सॉर्ट आउट कैसे करें, उनको क्लियर कैसे करें, और एक इफिशियंट वे में वर्मी कंपोस्टिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो काफी मदद मिली थी उस वीडियो से, व्यूवर्स को भी काफी हेल्प हुआ था। तो जिनके यूनिट ऑलरेडी है उन्होंने भी कॉल किया था, जिन्हें नई यूनिट लगानी थी उन्होंने भी कॉल किया था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना टाइम दिए थे। और एक चीज, जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कॉल किया था पैकेजिंग के लेकर, दैट्स वाई आपको एक बार फिर इस आज हम आमंत्रित किए हैं। तो एक बार हम समझते हैं कि जब जो किसान, मान लीजिए वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा है या जो करने की प्लानिंग कर रहा है, तो एक चीज आता है कि पैकेजिंग कैसे करके उसको मार्केट में लेके जाए। तो अगर डायरेक्ट पैकेजिंग पे बात करें, तो कोई किसान मान लीजिए उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, या इंडिया के किसी भी राज्य से है, अगर वो ये डिसाइड करना चाहता है कि पैकेजिंग में, एक जैसे छोटे वाले भी पैकेजिंग आते हैं, बड़े वाले भी होते हैं, तो शुरुआती में कौन से पैकेजिंग की उसको चुनाव करना चाहिए, मतलब ये कैसे डिसाइड करे हो? तो देखिए ना, इंडिया में ना, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक हर क्षेत्र में वर्मी कंपोस्टिंग का चलन बढ़ रहा है धीरे धीरे। और इंडिया एक ऐसी कंट्री की जहां पर ना हर 50-60 किलोमीटर में, हर 100 किलोमीटर में लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है। मतलब ये मान के चलिए कि जो चीज गुजरात में चल रही है वो जरूरी नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में चलेगी और वो कोलकाता में चलेगी, और जो चीज दिल्ली में चल रही है वो कर्नाटक में चलेगी, वो जरूरी नहीं है। तो लोगों के टेस्ट के हिसाब से चीजें बदलती है हर एरिया के हिसाब से। तो हम एरिया वाइज भी बात करेंगे किस एरिया के हिसाब से कैसे पैकेजिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, पैकेजिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो कुछ चीजें हैं पैकेजिंग कैपेसिटी में, जैसे 1 kg की पैकेजिंग कर सकते हैं आप, 2 kg की पैकेजिंग कर सकते हैं, 5 kg की पैकेजिंग कर सकते हैं, 10 kg की, 25 kg की, और 40 से 50 kg की। ये मेन पैकेजिंग क्वांटिटीज होती है, इस बेस पर ही आप पैकेजिंग कीजिएगा। ओके, ठीक है, ये तो हो गया। अब उसमें से भी थोड़ा और इसको अगर आगे डिटेल करें, जैसे मान लीजिए कोई किसान या कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट के वर्मी कंपोस्टिंग शुरू कर रहा है, हो सकता है वो गांव से शुरू करे या शहर से शुरू करे, फिर भी अगर उसको एक का चुनाव करना है कि हमको 1 kg में जाएं, 2 kg में जाएं, 25 kg वाले कट्टे बनाएं या 45-50 में है, तो कौन सा सब शुरुआती दौर में अगर पैसे को भी लेके चलेगा, इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो किस बैग से उसकी शुरुआत करना चाहिए, वो कैसे डिसाइड कर रही हूँ? देखिए, मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमने बहुत छोटे बजट से स्टार्ट किया था वर्मी कंपोस्टिंग जी। तो सबसे स्टार्टिंग में मैं 2 ही पैकेजिंग सजेस्ट करूंगा किसी भी एक बिजनेसमैन को, कि जैसे अगर आप सबसे पहले 1 kg का पैकेजिंग कीजिए, उसके बाद हाईएस्ट 40 से 50 kg का, जितना भी आपका बड़ा बैग मिल जाए, कोशिश कीजिए कि 40 kg का पैकेजिंग करें और 1 kg का पैकेजिंग करें। इसके फायदे क्या होते हैं कि अगर जैसे कोई भी आपका कस्टमर आता है नया, तो आप उसको 1 kg का सैंपल आसानी से दे सकते हैं, और वो 1 kg का सैंपल देख के बल्क ऑर्डर करता है। तो बल्क ऑर्डर के लिए जो 40 kg की पैकेजिंग होती है वो काफी अच्छी होती है। दो इंसान उसे आराम से हैंडल कर सकते हैं, उसको गाड़ी में लोड कर सकते हैं, गाड़ी से नीचे उतार सकते हैं। आप छोटी पैकेजिंग करेंगे तो आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, जितनी छोटी पैकेजिंग करेंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा। कोशिश कीजिए कि सबसे छोटी पैकेजिंग 1 kg की और सबसे बड़ी पैकेजिंग 40 kg की, ये दो टाइप की पैकेजिंग करना चाहिए स्टार्टिंग में। चलिए, ये चीज तो क्लियर हो गया कि क्या क्या पैकेजिंग करना चाहिए। अब बात करते हैं जो बैग की पैकेजिंग हो कहाँ पे कराए, मतलब अगर बात करें, जैसे मान लीजिए अगर कोई 1 kg का कराना चाहे या 50 और 45 kg वाले जो बैग होते उसका कराना चाहे, तो उसमें उसका प्रोसेस क्या होता है पैकेजिंग का, मतलब क्या क्या करना पड़ता है, कितना रुपया लगता है, थोड़ा उसके बारे में एक जानकारी चाहेंगे आप? जी, इस टॉपिक में डिटेल में कवर करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे मेन चीज है बजटिंग। पैसा मैटर करता है कि कितने में बनेगा आपका पैकेज। ठीक है, तो दो टाइप की पैकेजिंग हो गई। पहले तो हम बात करेंगे छोटी पैकेजिंग की, जो कि 1 kg 2 kg की होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 40-50 kg की पैकेजिंग की। ठीक है, तो
दो टाइप की पैकेजिंग होती है इसमें, जैसे आपने कभी लेस के पैकेट देखे हो, बालाजी के चिप्स के कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं, उस टाइप की पैकेजिंग की बात करते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी वो रोलर प्रिंटिंग के अंडर होती है, जैसे रोलर बनते हैं उसमें okay. तो आप जितने कलर इंक्लूड करेंगे आपके पैकेट में उतने रोलर बनेंगे okay. एक रोलर का कॉस्ट यहाँ पर पड़ता है लगभग 12,000 से 15,000-20,000, ठीक है, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी आप किस क्वालिटी का रोलर बनवा रहे हैं, ठीक है। एवरेज प्राइस मान लीजिए 15,000, आप 4 कलर डालते हैं अपने पैकेट के अंदर, 4 कलर का कॉस्ट बैठता है 60,000, मतलब कि 60,000 रुपए आपका सबसे पहले सिलेंडर बनवाने का कॉस्ट लगेगा। अच्छा, प्रिंटेड वाली की बात करूं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास यहां पर रखा है, तो ये जो पैकेट है ये रोलर प्रिंटिंग के द्वारा बना है, तो इसमें ना जितने कलर होते हैं उतने रोलर लगते हैं। अब रोलर 15,000 का एक रोलर बना तो 60,000 के आपके रोलर हो गए। अब इसमें एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है कि आपको या तो 500 किलो या 1,000 किलो प्रिंट करवाना पड़ेगा आपका जो बैग है वो, या फिर बात करें तो 10,000-15,000 बैग एक बार में वन टाइम का आपको ऑर्डर देना पड़ता है, तो ये काफी मतलब कॉस्टली हो जाता है। मान लीजिए कि आप 500 किलो 1,000 किलो या फिर 10,000 बैग का ऑर्डर देते हैं तो 1 लाख रुपए तो सिर्फ बैग का कॉस्ट पड़ता है, 1 लाख का आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है, और 60,000-70,000-80,000 के आपके रोलर बनते हैं, okay. तो लगभग 1.5 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट इनिशियली होता है। तो ये हो गया हाई क्वालिटी प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, okay. आप थोड़ा इससे नीचे आते हैं, ठीक है, आप जो छोटी यूनिट लेके बैठे क्योंकि ज्यादातर दर्शक छोटे से स्टार्ट करते हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए जो मैं एक एफिशिएंट तरीका बताता हूँ सस्ता वाला, वो होता है कि आप एक नॉर्मल बैग लीजिए, जैसे एक बैग दिखाता हूँ, ये भी हम पैकेजिंग करते हैं, ये एक नॉर्मल बैग है, काफी पतला सा है, पूरा विदाउट प्रिंटिंग है। अब इसमें क्या होता है कि ये बैग पड़ता है आपको 1 रुपए का, 1 से 1.5 रुपए का बैग पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, ऐसे जो स्टिकर होते हैं स्टिकर प्रिंट करवाइए, ये जहाँ पर शादी के कार्ड होते हैं, किसी के इनॉग्रेशन के कार्ड होते हैं, वहां पर जो प्रिंटिंग वाले होते हैं वो ये कार्ड जो स्टिकर है वो प्रिंट कर देते हैं। अभी स्टिकर को आप यहाँ से निकाल कर इस पैकेट पर पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका जो ये बैग बनेगा इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे 10 बैग बनाइए, आप 50 बैग बनाइए, 100 बैग बनाइए, 1,000 बैग बनाइए, 500 बैग, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपके बजट के हिसाब से चलेगा ये जो प्रिंट है, ठीक है। अब इसमें जो स्टिकर का कॉस्ट पड़ता है ये 2.5 से 3 रुपया पड़ता है, अलग अलग हो सकता है, दो किसी के यहाँ 2 रुपये में भी हो जाए, किसी के यहाँ 3 रुपये में, तो लगभग 2 से 3 रुपये में ये हो जाता है। तो मान लीजिए कि 2.5 रुपये का ये हो गया और 1.5 रुपये की आपकी थैली हो गई, तो 4 रुपये में आपका एक प्रिंटिंग एक अच्छा सा दिखने वाला डिजाइन वाला आपका बैग तैयार हो जाता है 1 kg का, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है पैकेजिंग में कि कभी भी आपका पैकेजिंग का कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 5 रुपए का खाद बना रहे हैं और 10 रुपए का पैकेट बना रहे हैं, तो कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा, ये हमने की थी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी आपका जो पैकिंग का मटेरियल है उसका कॉस्ट कभी भी आपके प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट 5 रुपए में बन रहा है तो आप कोशिश कीजिए 5 रुपए से नीचे नीचे आप पैकेजिंग बनाएं और आपके पूरा 1 किलो 10 रुपए के नीचे रखने की कोशिश कीजिए। ये तो होगा 1 किलो की बात। अब बात करते हैं बड़े पैकेट की जो कि 50 किलो 40 किलो के होते हैं, तो उसमें भी रोलर प्रिंटिंग होती है नो डाउट, बट उसमें ना जाए हम, उसमें एक रबर ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, एक रबर के ब्लॉक बनते हैं, उसमें भी आपका कंटेंट केस कितना है उसके हिसाब से ब्लॉक बनेंगे। मान लीजिए 2, 3 या 4 ब्लॉक बनते हैं, उसमें 2-4 ब्लॉक में हो जाता है, ठीक है। अब एक ब्लॉक पड़ता है लगभग 500-600 रुपए का, ठीक है, आप 4 ब्लॉक की बनवाएंगे तो 2,000 का 2,500 का बनता है। अब उसके बाद आता है आप 500 बैग 1,000 बैग उसमें प्रिंट करवा सकते हैं, मिनिमम इतना करवाना चाहिए, किसी भी छोटी यूनिट वाले ने 500-1,000 बैग आराम से 1 साल 1.5 साल आपका निकाल देंगे, तो उस बैग का कॉस्ट पड़ता है आपका लगभग 20 से 22 रुपए का। तो मान लीजिए 40 किलो आप उसमें प्रोडक्ट डाल रहे हैं, तो आपका जो कॉस्ट हो गया वहाँ पर 1 किलो के लिए आप 50 पैसा पैकेजिंग कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है कुछ जिनका ध्यान रखना जरूरी है। क्या बात, ये तो थोड़ा डिटेल हो गया। अब एक चीज और होता है, जैसे एक हो गया खाद बनाना, पैकिंग करना, अब हम वहां तक पहुंच गए हैं, अब थोड़ा आते हैं कि कुछ ऐसा पैकिंग करें कि देखने में भी मजा आए ग्राहकों को। तो इसमें आता है कलर का चुनाव और जो बैग है बैग के कलर का चुनाव। तो थोड़ा आप अपने एग्जांपल से, आपका जो 45-50 kg वाला जो बोरा है उसके एग्जांपल से बताइए कि किस कलर के अगर बोरा हो उस पे किस रंग का अगर प्रिंटिंग हो, किस भाषा का प्रिंटिंग हो, जैसे भाषा एक लोकल हो गया या फिर हिंदी में आ जाइए या इंग्लिश में आ जाइए, तो तीन ही अगर भाषा ले, एक लोकल भाषा हिंदी और इंग्लिश, तो किस रंग पे किस रंग का प्रिंटिंग करें और क्या भाषा रहे तो देखने में मजा आए, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएं तो बेटर हो जाएगा। देखिए, कभी भी आप बैग प्रिंट कराने जाते हैं, आप प्लानिंग करते हैं पैकेजिंग की, तो सबसे पहले आप देखिए कि आप किस एरिया में वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं और आपके कस्टमर कौन से हैं, आपके ग्रामीण कस्टमर ज्यादा है या आपके शहरी कस्टमर ज्यादा है। अगर आपका सप्लाई ज्यादा शहर की तरफ हो रहा है तो आप छोटे पैकेजिंग ज्यादा कीजिए और बड़े पैकेट कम कीजिए, मतलब बल्क वाले जो 40-50 kg है वो ऑर्डर के हिसाब से, और जो छोटे 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो वाले पैकेजिंग नर्सरीज में जा रही है, शहरों में जा रही है, किचन गार्डनिंग में जा रही है, तो आप छोटी पैकेजिंग पर ध्यान दीजिए। आप दूसरी बात आती है कलर, कलर कैसा होना चाहिए, ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप कलर को ग्रीन रखें या किसी भी फ्लावर्स के कलर में रखें, आपका फ्लावर प्रिंट हो या फिर, तो क्या होता है ये कलर अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये आपका जो पैकेट कोई भी खरीदेगा वो वहीं से खरीदेगा जहां से आप वो प्लांट्स ले रहा है, ठीक है, या तो आपसे डायरेक्टली परचेस करेगा, तो जब भी उसको ग्रीन कलर या कुछ ऐसा ग्रोइंग दिखाई देता है तो उसके दिमाग में इमेज बनती है कि यार कोई चीज बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो उसका एक साइकोलॉजी बनती है दिमाग में ग्रीन कलर से लेकर के, या फ्लावर्स के कलर में होती है, फ्रूट्स के कलर में होती है, तो उसको कोशिश कीजिए कि यही ऐसी टाइप की हो और कलर ऐसा रखें कि आपने जो प्रिंट किया है, ठीक है, वो क्लियरली पढ़ने में बने सामने वाले को,
जो भी कस्टमर है उसे पढ़ने में पूरा आए कि वो एक एक चीज क्लियरली दिखाई दे उसमें, नहीं तो आपने व्हाइट कलर से आपने प्रिंट करा लिया पूरा और उस पर आप थोड़ा हल्का ब्लैक कलर या ग्रे कलर से आप प्रिंट करा रहे हैं कुछ भी आपका कंटेंट, हाँ। तो विजिबल नहीं होता। अब ग्रीन कलर के राइट पैकेजिंग पे ब्लैक कलर से प्रिंट करवाइए तो ये चीजें देखने में आती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारा जो ग्रीन कलर का पैकेट, इसमें फ्लावर्स है, प्लांट्स है और जो मैंने कंटेंट छपवाया है, अगर मेरा डार्क कलर है तो मैंने उस पर व्हाइट कलर से प्रिंट करवाया है, अगर मेरा लाइट कलर है तो उसमें मैंने डार्क ब्लैक से प्रिंट करवाया है, ठीक है। और क्या क्या चीजें हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे उसमें रूट्स हाईलाइट कर सकते हैं, फ्लावर्स हाईलाइट कर सकते हैं, फ्रूट्स हाईलाइट कर सकते हैं, ये चीजें हाईलाइट कीजिए तो आपका जो पैकेट है काफी अट्रैक्टिव बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतनी गहराई से आप बताई पैकेजिंग के बारे में, मतलब सुन के तो मज़ा आ गया। साथ ही साथ जो व्यूअर्स है उनको भी एक आइडिया लग जाएगा, अगर वो अपने बिजनेस में शुरुआत कर चुके हैं या करने वाले हैं तो पूरे डिटेल का। इसी कड़ी में अगर इतना आपके पास ज्ञान है तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों के बीच शेयर करें, अगर वो भी वर्मी कंपोस्टिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं और इतना बढ़िया से जानकारी रखते हैं तो उनको भी शेयर करेंगे तो उनको भी एक रास्ता मिल जाएगा अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। तो इंद्रजीत जी, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपसे कुछ सीखना चाहे वर्मी कंपोस्टिंग की सेटअप करने के लिए, कुछ जानकारी चाहिए, चाहे वो बैग प्रिंटिंग के लिए हो, वर्मी कंपोस्टिंग सेटअप का हो, केचुआ की खरीदारी का हो या इससे रिलेटेड किसी भी चीज की, तो किस किस जगहों में उसकी आप मदद कर सकते हैं थोड़ा ये बता दीजिए आप। देखिए हम पूरा प्लानिंग से लेकर के आपका खाद बनाने तक हर चीज में आपके साथ खड़े होकर के पूरी प्लानिंग करके पूरा सेटअप लगवा कर हम मदद कर सकते हैं। जो रही बात कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए पहली बात तो ऑर्गेनिक का जो मार्केट है ना वो काफी बढ़ने वाला है आने वाले समय में। आज से 5 साल पहले देखिए, आज देखिए और आज से अगले 5 साल में देखिए, तो इसका जो ग्राफ है ना वो ऊपर ही जाएगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई वर्मी कंपोस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या केचुए परचेस करना चाहता है तो हमारा एक मतलब पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे हम किस तरह से काम करते हैं। जैसे कोई हमसे यूनिट लगवाना चाहता है तो हम पहले उसके साइट का पूरा इंस्पेक्शन कर लेंगे, वीडियो के जरिए देख लेंगे कुछ डेवलपमेंट करवाना उसकी साइट में तो सुटेबल है या नहीं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उसकी जगह, तो वो देख लेंगे। उसके बाद गोबर की क्वालिटी, उससे वीडियोस मंगाएंगे, गोबर की क्वालिटी देखेंगे, उसके बाद गोबर को ठंडा कैसे करना है ये सब चीज़ों का गाइडेंस देंगे पूरा। उसके बाद हम खुद आकर हमारा केचुआ निकाल के आपके उनके सामने वाले की साइट तक ले जाते हैं, जिसे यूनिट लगवानी है वहाँ पर पूरा हमारी जो टीम होती है वो पूरा यूनिट लगा करके देती है प्रॉपर। वहाँ पर 2 दिन रुक के जो भी यूनिट लगा रहा है उसे ट्रेनिंग देती है कैसे यूनिट को चलाना है, कैसे मेंटेनेंस करना है केचुआ का, केचुआ कैसे बढ़ाना है, और उसके बाद पूरा प्रॉपर 2-3 महीने तक पूरा कंसल्टेंसी रहता है कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रिंटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम खाद को निकालने का तरीका बताते हैं, खाद निकालने की ट्रेनिंग देते हैं, खाद को निकालते कैसे है, आपके पिछले बेड जो बन चुके हैं उससे नए बेड में केचुआ कैसे शिफ्ट करते हैं, नए बेड कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ों का हम पूरा प्रॉपर नॉलेज देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और उसमें जो आप सामने वाले के दिमाग में आता है कि पैसा काफी लगता होगा तो सिर्फ हम केचुए का पैसा लेते हैं और बाकी कोई ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा नहीं लेते हैं। आप चाहे कश्मीर में लगाएं या कन्याकुमारी यूनिट लगाएं, इसी भी भारत के किसी भी कोने में आप यूनिट लगाइए, हम ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं लेते हैं, ना कंसल्टेंसी का पैसा लेते हैं, ना हमारे आने का पैसा लेते हैं, हम पैसा लेते हैं सिर्फ केचुए का सर। जी तो इंद्रजीत जी बहुत ही आप अच्छे से ज्ञान दिए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट अगर चाहिए इंद्रजीत जी से किसी भी चीज़ के बारे में वर्मी कंपोस्ट के रिगार्डिंग, तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो में सामने दिख जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूंगा। और इंद्रजीत जी आप अपना कीमती समय निकाले, इतने अच्छे से आप इस चीज़ को डिटेल किए, इसके लिए आपको मतलब क्या बताएं, मज़ा आ गया देख के, और आप इतना समय दिए इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी।